नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 7.5 जो पेज नंबर 244 पर गिवन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। ए लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू ए की एशन इन फिगर। डायग्राम बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इन टू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। द ग्लो ऑफ द बल्ब, इसके अंदर लिखा हुआ है पहला इंक्रीजेस, दूसरा लिखा हुआ है डिक्रीजेस, और तीसरा लिखा हुआ है इज अनचेंज्ड एज द आयरन रोड इज इंसर्टेड। गिव योर आंसर विद रीजन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बल्ब है और एक ओपन कॉइल इंडक्टर है, ठीक है, और इसको कनेक्ट करा गया है एक एसी सोर्स से, और साथ में क्या जोड़ रखा है, एक की जोड़ रखा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम को पहले तो यहाँ बना दूं, ठीक है, थोड़ा इंडक्टर में बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि आगे इसके अंदर बोला गया है कि इसमें क्या डाला जा रहा है, एक रोड। ठीक है, ये रहा एसी सोर्स और ये रहा स्विच। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है आगे कि यदि मैं ये स्विच क्लोज करूं, ठीक है, तो स्विच क्लोज करने पर क्या होगा, पहली चीज तो करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आए, लेकिन आगे क्या है कि जब बल्ब ग्लो कर रहा है फिर मैंने क्या करा, इसके अंदर एक रॉड इंसर्ट कर दी। क्या कर दी मैंने, इसके अंदर एक रॉड इंसर्ट कर दी, किसमें, इंडक्टर के अंदर। तो रॉड इंसर्ट कर दूंगा यदि मैं, तो इसकी ग्लोनेस पर क्या फर्क पड़ेगा वो मुझे बताना है। ठीक है, क्या इसकी ग्लो जो है वो इंक्रीज होगा, ज्यादा ब्राइट होगा या कम ब्राइट हो जाएगा, जितना अभी जलेगा, ठीक है, जितना अभी ग्लो करेगा उससे कम ब्राइट हो जाएगा या उससे ज्यादा ब्राइट होगा, वो कंडीशन मुझे बतानी है, और होगा क्यों वो भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले स्विच क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस में कह सकता हूँ पोटेंशियल कितना होगा VL, और इसके अक्रॉस कह देता हूँ ये बल्ब है तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कह दूंगा मैं VB। यहाँ VL क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंडक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, L इंडक्टेंस कह देते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आप पहले तो ये देखो, अभी तो इन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर ली VL VB की वैल्यू, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज करा अपने हिसाब से इन्होंने डिसाइड कर ली अपनी वैल्यूज और ये बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो VL वैल्यू आई होगी वो कैसे आई होगी, हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस करंट जब फ्लो करेगा इसमें से, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, और हम जानते हैं कि L इक्वल टू कितना होता है, फाइव बाई आई, जानते हैं, जानते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंडक्टेंस होगा। ठीक है, इंडक्टेंस लिख दिया मैंने आई, और VL इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, XL आई XL। ठीक है, और XL इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा L, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, आई ओमेगा L। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू तो ये रही, ठीक है, और इंडक्टर की वैल्यू ये रही, और XL की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये कब है, जब मैंने स्विच क्लोज करा और इसके अंदर करंट फ्लो करा, और उस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, रुकावट जो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कितनी होगी, XL। आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो रुकावट होती है वो क्या होती है, XL होती है। ठीक है, और पोटेंशियल कितना होगा, आई XL। ओम्स लॉ का फंडा लगेगा यहाँ पर, वी इक्वल टू आई आर होता है रेजिस्टेंस के केस में, अब यहाँ पर क्या है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के केस में हम XL लेते हैं, रुकावट आपको याद होगी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन में मजा अब आएगा, क्वेश्चन में जो बोला गया था हमसे कि हमने यहाँ पर क्या करा, एक रॉड इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार्कर को आप ऐसा मान लो रॉड है, ठीक है, या आपने इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो क्या होगा ये आपको बताना है, आयरन की रॉड है, जैसे ही ये अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी, और मैग्नेटाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जैसे ही मैंने इसमें रॉड इंसर्ट करी, ठीक है, ये मैंने रॉड इसमें इंसर्ट कर दी, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन फिर भी आ जाएगा। ठीक है, ये रॉड हमने इंसर्ट कर दी इसके अंदर, तो जैसे हमने इसमें रॉड इंसर्ट करी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और इंडक्टेंस यदि इंक्रीज हुआ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि इंक्रीज हुआ तो
पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, और यदि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इस एसी सप्लाई का ज्यादा पोटेंशियल कौन खाएगा, पहले के मुकाबले में अब ये खाएगा इंडक्टर, पहले जितना खा रहा था उससे ज्यादा ये पोटेंशियल खाएगा, उससे ज्यादा पोटेंशियल ये ले लेगा, ठीक है। तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कम हो गया तो बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी रॉड डालने पे बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ रखा है, ठीक है, बोर्ड में इस तरीके के सवाल घूम फिर के आते हैं। दूसरी एक बात और आपको बता दूं, एक तरीका तो हमने पोटेंशियल के लिहाज से समझ लिया, दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यदि एक्सेल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ डिक्रीज होगी, तो करंट क्या हो जाएगा, जब कम होगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, उसमें भी यही लिखा हुआ है, यहाँ साइड में आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज मिल जाएगी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ लाइन टू लाइन। एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइज द आयरन इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, ठीक है। अब पहली चीज क्या लिखी हुई कि आयरन रोड जैसे डालेंगे तो जो कॉइल के अंदर डालेंगे आयरन रोड तो वो क्या होगी, मैग्नेटाइज और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, इंडक्टेंस बढ़ गया, मैंने भी यही बात बताई आपको, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है कॉइल का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। एज ए रिजल्ट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द इंडक्टर, और जो ज्यादा सप्लाई है या ज्यादा पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस जाएगा, इसके अक्रॉस। और आगे क्या लिखा हुआ है, लीविंग लेस वोल्टेज, सॉरी क्या यहाँ है, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टर लीविंग लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, और बल्ब के अक्रॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब डिक्रीजेस, तो जो ग्लो है लाइट बल्ब का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो आप लिख लीजिए इसे।